अच्छा, आज है ना बस अनबॉक्सिंग बना रहे हैं इस प्रिंटर की, जो HP डेस्ट जेट 4625 है। प्रिंटर तो काफ़ी पुराना है, 2012 के एंड पे 2013 के शुरू में ये निकला था। लेने की वजह थी कि वायरलेस कनेक्टिविटी है, प्रिंटर है, स्कैनर है, स्कैन बेड है और फैक्स मशीन है। तो वैसे तो इसकी कीमत जो है तकरीबन 1.5 साल पुराना मॉडल है, तो कीमत गिर जानी चाहिए, मगर कीमत इसकी अभी भी 16, 17, 18 की जगह 19,000 का भी है। वो बड़ा शॉर्ट है क्योंकि प्रिंटर अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इसके अंदर अलावा इंक एडवांटेज कार्टेजेस हैं, ये वाली 670 वाली, चार मुख्तलिफ कार्टेजेस होती हैं जो आपने भरनी होती हैं, तो जो इस्तेमाल होनी हुई ख़त्म होगी उसी को आप चेंज करें। वो तीन जो एक में होती हैं उसकी वजह से पूरी कार्टेज ज़ाया नहीं हुआ करेगी। तो सर वेरी गुड प्रिंटर, तो बड़ी मुश्किल से मिला मुझे, रात का वक्त है तो मैंने कहा चलो लाइट में बना दें, इसको चेक भी करना है। तो ये प्रिंटिंग है, इसके अंदर 2 इंच का LCD डिस्प्ले है जो ब्लैक एंड वाइट है इसमें, और स्कैनिंग है साइड पे इसकी चीज़ों के बारे में लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट का नाम वगैरह कहाँ का है, जो मैक्सिकन वर्जन है ये, इसका वो कार्ड वगैरह, इधर भी वही चीज़ें लिखी हुई हैं, इस साइड पे इसकी शक्ल बनी हुई है। तो ऊपर से देख लें तो कंटेंट्स में इसके जो है प्रिंटर है, सॉफ्टवेयर CD है, पावर अडैप्टर एंड कोड है, फ़ोन कोड है, USB केबल है, ब्लैक कार्टेज है, साइन है, मैग्नीटा है, येलो है, चार कार्टेजेस हैं। मैक कंपेटेबल है 7 के साथ है, विस्टा के साथ है, XP के साथ है, 8 के साथ भी है, ड्राइवर मिल जाते हैं, प्री इंस्टॉल होते हैं। तो बस की अनबॉक्सिंग करते हैं। अच्छा, ये सी कार्टेजेस हैं, ये कार्टेजेस हैं अलग अलग, सारी पैक हुई हुई खुल के अलग सेट होती हैं। उसके अंदर ये टैब उतरता है, ये अलग प्लास्टिक का टैब भी उतरेगा बीच में से, ये कार्टेज हो गई। ये इसकी फ़ोन कोड है, पावर कोड, बल्कि नहीं USB कोड, वायरलेस है तो ज़्यादा यूज काम तो नहीं होगा, मैं USB कोड आती है टिपिकल जो मुँह होता है जो प्रिंटर्स का होता है, जहाँ बाकी और लोगों से पड़ी होती हैं घर में। और ये इसकी पावर कोड है, ब्रिक नहीं है इसमें, सिर्फ पावर कोड है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा वेट चीज़ें कम होंगी। अच्छा, ये इसका पार्टीशन है, कुछ नहीं है, ये प्रिंटर है इसका। वो डस्क की बैठी है बिल्ली, वो भी देख रही क्या कर रहे हैं पागल। अच्छा, ये प्रिंटर है, सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं, वो खोलने पड़ेंगे, काफ़ी काम है। ये इसका फीडिंग ट्रे है जो यहाँ पर लगती है नीचे, इधर ये फीडिंग ट्रे है। बाकी ये फ्लैट बेड स्कैनर है, ये इसका, इसके अंदर आप तकरीबन 20 से लेके 100 तक के पेज रख सकते हैं, ख़ुद ब खुद ऑटो फीडर रहेगा ये। स्कैन करने के लिए इस फोटो कापी की मशीन की तरह स्कैन होता है वो है। ये इसका LCD है, उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ सारा, ये यहाँ से खींचेंगे तो स्टिकर ही है ना। तो जिस तरह ATM कार्ड्स में ऑप्शंस होती हैं, उस तरह का LCD डिस्प्ले है, टच डिस्प्ले है, ये ऑप्शन का नाम यहाँ लिखा है, यस करना, आगे पीछे करना, ये वो टच बटन्स हैं सारे, ये जो इसका डायलर है टेलीफोन डायलर, और जो ओनली फील होने वाला फिजिकल बटन है वो ये पावर का। तो बस यही अनबॉक्सिंग थी, कमेंट्स में बताऊंगा कि काम कैसा करता है। ये इसका इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं, ये इसका वाईफाई का इंडिकेटर है, ये इसका क्लाउड का इंडिकेटर है, ये इसकी सेटिंग का इंडिकेटर है, और ये इसकी पावर का इंडिकेटर है।
हेल्प करने के ट्रे, सारे बटन्स हैं, टच बटन्स हैं। तो बस यही अनबॉक्सिंग करनी थी, थैंक यू। अच्छा ये मैं बीच में भूल गया था, अनबॉक्सिंग के बीच में ये थैला ये पीछे था, साथ ये भी ऐसा क्विक स्टार्ट गाइड है ये कि कौन सी कार्टेज लगा सकते हैं, क्विक साइड गाइड वगैरह साथ इसका, ये इसकी ड्राइवर की सीडी है एक बीच में, और तो ये सारा इसका सामान एक दफा देख लें। ये इसका प्रिंटर कार्टेज है, टेलीफोन केबल, पावर कोड, USB केबल और लिटरेचर, तो ये सारा सामान था इसके अंदर। थैंक यू।